जी दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे स्पॉटिंग एरर में आर्टिकल्स को लेकर। आर्टिकल्स के स्पॉटिंग एरर को आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने कंडीशनल सेंटेंस के स्पॉटिंग एरर पर चर्चा किया था, और जिसको कंडीशनल सेंटेंस पे अगर स्पॉटिंग एरर देखना है तो आप प्लेलिस्ट के स्पॉटिंग एरर में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं आज हम लोग आर्टिकल के स्पॉटिंग एरर। जिनको आर्टिकल के कंसेप्ट क्लियर हैं तो उनके लिए ठीक है, जिनको आर्टिकल का कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आर्टिकल वाले वीडियो को देख सकते हैं, और वहाँ पे अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के बाद अगर इस वीडियो को देखेंगे तो उनको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आइए हम लोग चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन में द लॉस ऑफ जॉब्स इज रिगार्डेड बाई सम एज एन नेसेसरी एविल इन द फाइट अगेंस्ट इन्फ्लेशन। तो ध्यान दीजिए, द लॉस ऑफ जॉब्स, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, इज रिगार्डेड बाय सम एज एन नेसेसरी। ध्यान दीजिए, नेसेसरी एविल है। अब नेसेसरी के पहले जो एन का यूज हुआ है, यहाँ पे एन का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे ए का प्रयोग होगा। क्यों होगा? क्योंकि नेसेसरी का जो साउंड है वो आपका कॉन्सोनेंट है, और अगर कॉन्सोनेंट का साउंड देता है कोई भी नाउन तो उसके हम लोग पहले ए का प्रयोग करते हैं, और अगर वॉवेल का साउंड देता है तो हम लोग एन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे नेसेसरी जो है आपका कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है, इसलिए हम इसके पहले ए का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। जब यहाँ मिस्टेक है तो और भी किसी भी पार्ट में मिस्टेक नहीं होगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इट इज़ अ क्वार्टर टू टेन बाय माई वॉच। अब ध्यान दीजिए, आप लोग पढ़े होंगे जब हम लोग समय बताते हैं तो इट इज़ क्वार्टर टू फाइव, तो इस तरीके का पढ़े होंगे। तो यहाँ पे इट इज़ अ क्वार्टर कह रहा है, इट इज़ अ क्वार्टर, तो यहाँ पे इट इज़ अ क्वार्टर नहीं होगा, इट इज़ क्वार्टर टू टेन बाय माई वॉच होगा। क्या होगा? इट इज़ क्वार्टर टू टेन बाय माई वॉच। ठीक, चलिए आइए हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री में दिया हुआ है, गीता डजंट यूजली वियर ज्वेलरी बट यस्टरडे सी वोर रिंग। अब ध्यान दीजिए, गीता डजंट यूजली, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, वियर ज्वेलरी बट यस्टरडे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सी वोर रिंग माने अंगूठी, तो सी वोर अ रिंग, क्योंकि अगर आपको जैसे चेयर बोलना है तो अ चेयर, रिंग बोलना है तो अ रिंग, टेबल बोलना है तो अ टेबल, समझ ही नहीं, तो यहाँ पे सी वोर अ रिंग हो जाएगा, सी वोर अ रिंग, समझ गए, क्योंकि यहाँ पे रिंग का प्रयोग नहीं होगा, अ रिंग का प्रयोग होगा। ठीक, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर फोर में देखिए क्या दिया हुआ है। ध्यान दीजिए, द पुलिस आस्क्ड अस अबाउट आवर मूवमेंट्स ऑन अ नाइट ऑफ क्राइम। अब ध्यान दीजिए, पुलिस हमसे पूछती है अबाउट आवर मूवमेंट, हमारे मूवमेंट के बारे में, हमारे गतिविधि के बारे में, ऑन माने पर, अ नाइट ऑफ क्राइम, एक क्राइम के रात की, उस क्राइम के रात, अर्थात वह जो नाइट था, वो क्राइम का नाइट जो था वो निश्चित हो गया अब बताने के बाद, तो उस क्राइम के नाइट के बारे में बात किया जा रहा है, जो उस नाइट को हुआ था। तो उस नाइट मतलब निश्चित नाइट हो गया, जब निश्चित नाइट हो गया तो हम लोग डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग, किसका प्रयोग करेंगे,
द का प्रयोग। तो यहाँ पे द पुलिस आस्क्ड अस अबाउट आवर मूवमेंट्स ऑन द नाइट ऑफ क्राइम, ऑन द नाइट ऑफ क्राइम। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। इन साइंस द क्रेडिट गोज टू अ मैन, इन साइंस द क्रेडिट गोज टू अ मैन हु कन्विंसेस द वर्ल्ड नॉट टू द मैन टू हुम द आइडिया फर्स्ट ऑकर्स। तो ध्यान दीजिए, इन द साइंस क्रेडिट गोज टू अ मैन हु कन्विंसेस द वर्ल्ड। अब यहाँ पे बताया जा रहा है उस व्यक्ति को, अर्थात वह व्यक्ति अब निश्चित हो गया है। जब वह व्यक्ति निश्चित हो गया है तो हम लोग यहाँ पे अ मैन जो है, यहाँ पे जो अ मैन है यहाँ पे हम लोग लगाएंगे द मैन। क्या लगाएंगे? द मैन। तो यहाँ पे हो जाएगा इन साइंस द क्रेडिट गोज टू द मैन हु कन्विंसेस द वर्ल्ड। समझ गए? चलिए आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नाउ इसी क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान दीजिए, इट इज ओनली आफ्टर द मैच इज ओवर दैट पीपल रियलाइज हाउ एक्साइटिंग इट इज। अब ध्यान दीजिए, इट इज ओनली आफ्टर द मैच इज ओवर दैट पीपल रियलाइज हाउ एक्साइटिंग इट इज। हम लोग निश्चित मैच के बारे में तो बात कर नहीं रहे हैं, यहाँ पे हम कह रहे हैं इट इज ओनली अ मैच, द मैच नहीं होगा, अ मैच। जब हम लोग निश्चित मैच के बारे में करेंगे तो हम लोग द का यूज करेंगे, अगर निश्चित मैच नहीं है तो हम लोग उसके पहले अ का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, कहा जा रहा है इट इज ओनली आफ्टर अ मैच इज ओवर, जब एक मैच खत्म होता है तब जाके पीपल रियलाइज, तब पीपल को समझ में आता है हाउ एक्साइटिंग इट इज, यह कितना एक्साइटिंग था। ठीक है, जब तक ख़त्म नहीं होता है तब तक उसमें वो रियलाइज नहीं कर पाता है। अर्थात यहाँ पे अ मैच की बात हो रही है, न कि द मैच की बात हो रही है। ठीक है, चलिए तो हमें लगता है आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा और स्पॉटिंग एरर आपको आसानी से आ रहा होगा। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, आप हमारे प्लेलिस्ट के स्पॉटिंग एरर प्लेलिस्ट के आर्टिकल पे जाके आप आर्टिकल के कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। और वहाँ से क्लियर करने के बाद अगर आप स्पॉटिंग एरर पे आते हैं तो बहुत ही अच्छे से आपको ये कंसेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आइए आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है? ऑफ द टू सिस्टर्स सी इज बेटर। तो ऑफ द टू सिस्टर्स, ऑफ द टू सिस्टर्स में यहाँ कोई दिक्कत नहीं, सी इज द बेटर होगा। क्या होगा? द बेटर, सी इज द बेटर। ऑफ द टू सिस्टर्स सी इज बेटर नहीं, दो लोगों में द बेटर का प्रयोग करेंगे जब दो लोगों में तुलना हो रही है, वैसे तो बेटर होगा, लेकिन ऑफ द टू जब दो में से निकाल कर एक की तुलना की जाती है तो वहाँ पर हम लोग द का प्रयोग करते हैं। कंपरेटिव डिग्री के पहले, कंपरेटिव डिग्री के पहले हम लोग द का प्रयोग कर लेंगे। इस तरीके से ऑफ द टू सिस्टर्स सी इज द बेटर। समझ गए नहीं? चलिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिएगा, और इस सेशन को शेयर किया करिए आप लोग। शेयर करने पे आपको आपके दोस्तों को भी लाभ मिलेगा और अब अधिकतम लोगों तक इसको पहुँचाएंगे तो बहुत से लोगों को इसका लाभ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है इट इज अनफॉर्चुनेट इनफ, इट इज अनफॉर्चुनेट इनफ टू लॉस फ्यू फ्रेंड्स वी मेक ड्यूरिंग आवर स्कूल डेज। अब ध्यान दीजिए, इट इज अनफॉर्चुनेट इनफ, यह दुर्भाग्य है। यह क्या है? दुर्भाग्य है। टू लॉस मैंने खो दे रहा हूँ। Few friends we make during our school days. During our school days में जो हम बनाए थे, जो हम बनाते हैं, अर्थात during the school days के जो मित्र हैं वो निश्चित हैं। तो निश्चित के लिए हम लोग यहाँ पे the few का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? The few। यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम लोग यूज कर लेंगे the few।
किसका प्रयोग कर लेंगे, द फ्यू का प्रयोग, द फ्यू फ्रेंड्स वी मेक ड्यूरिंग आवर स्कूल डेज। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए, देयर वर अ नंबर ऑफ इंटेलिजेंट जेंटलमैन एट द पार्टी बट इट वॉज मिस्टर सुब्रमण्यम एन एमिनेंट साइंटिस्ट हु रिमेन्ड अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। तो ध्यान दीजिए, देयर वर अ नंबर ऑफ इंटेलिजेंट जेंटलमैन एट द पार्टी, इस सेंटेंस यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बट इट वॉज मिस्टर सुब्रमण्यम, लेकिन वो मिस्टर सुब्रमण्यम थे एन एमिनेंट साइंटिस्ट, जो एक महत्व जाने पहचाने महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं। हु आ गया, अब मिस्टर सुब्रमण्यम के बारे में कहा जा रहा है, रिमेन्ड अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, नहीं द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, क्या द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, समझ ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में कौन है, मिस्टर सुब्रमण्यम है। सुब्रमण्यम एक डेफिनेट पर्सन है, इसलिए हम लोग यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। चलिए आइए हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट, मुझे सूचित किया गया जा चुका है, मिस्टर शर्मा द डायरेक्टर एंड द चेयरमैन, मिस्टर शर्मा द डायरेक्टर एंड द चेयरमैन विल विजिट पटना द फॉलोइंग मंथ। अब ध्यान दीजिए, आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट, हमें इन्फॉर्म्ड किया जा चुका है, मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा है द डायरेक्टर एंड द चेयरमैन, एक ही व्यक्ति हैं, दो पदों को लिए हुए हैं। जब एक ही पद व्यक्ति दो पदों को लेते हैं तो पहले पद के पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, दूसरे पद के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो द डायरेक्टर एंड चेयरमैन होगा, द चेयरमैन नहीं होगा, एंड चेयरमैन होगा, क्या होगा, एंड चेयरमैन। ठीक है, चलिए आइए आप लोगों को हम लोग चलते हैं लेके क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, ही इज द बेस्ट वर्कर ऑफ द फैक्ट्री बट अनफॉर्चुनेटली लीस्ट पेड। लीस्ट पेड ध्यान दीजिए, ही इज द बेस्ट वर्कर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ऑफ द फैक्ट्री यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, लीस्ट पेड, लीस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे द लीस्ट पेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द लीस्ट पेड। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देख लेते हैं क्या होता है, ही हैज कम आउट विथ एन यूनिक प्रपोजल फॉर हिज फ्रेंड्स। तो ध्यान दीजिए, ही हैज कम आउट, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे एन यूनिक नहीं होगा, अयूनिक होगा, क्या होगा, अयूनिक प्रपोजल। ठीक है, कंसेप्ट जिसका क्लियर नहीं है उनके लिए दिक्कत है, बट कंसेप्ट जिसका क्लियर है देर विल बी नो प्रॉब्लम्स आई थिंक। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है, व्हेन द हाउस वॉज सेट ऑन द फायर ऑल द पीपल स्टार्टेड शाउटिंग एट द टॉप ऑफ देयर वॉइसेस। तो ध्यान दीजिए, when the house was set on the fire, ध्यान दीजिए set on fire होता है, set on the fire नहीं होता है, ये फ्रेज है set on fire, तो set on fire होगा, set on the fire नहीं होगा। ठीक, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है, देख लीजिए, लिटिल नॉलेज ऑफ मेडिसिन दैट ही पजिस्ड proved to be a blessing for him when he was in great pain. तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे little or knowledge of medicine that he proposed, तो देखिए यहाँ पे that के बाद यहाँ पे और phrase आया हुआ है, तो little के बाद हम लोगों का phrase नहीं आता है, यहाँ पे the little होता है, अगर आप adjective में पढ़ेंगे तब ये पढ़ाया जाएगा, but यहाँ पर अगर देखना चाहेंगे तो कह रहा है लिटिल नॉलेज, अगर लिटिल नॉलेज होता है तो बहुत कम नॉलेज होता है, यहाँ पे इतना नॉलेज था कि वो अपने आप को पेन से रियायत कर पाया, राहत उसको मिली।
ठीक है, इसलिए यहाँ पे द लिटिल नॉलेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द लिटिल नॉलेज ऑफ मेडिसिन दैट ही परचेस्ड प्रूव्ड टू बी अ ब्लेसिंग फॉर हिम। समझ गए, चलिए आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज दिस गिवन, व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 15। देखिए, इट वॉज बाय अ मिस्टेक दैट ही इंजर्ड हर हैंड। तो देखिए, इट वॉज बाय अ मिस्टेक, यहाँ पे बाय अ मिस्टेक जो आ गया है, बाय मिस्टेक होता है, बाय अ मिस्टेक नहीं होता। तो यहाँ पे जो ए है, यहाँ पे ए नहीं होगा, बाय मिस्टेक होगा। ये आपका एक फ्रेज है जो फिक्स है, बाय मिस्टेक होता है, बाय अ मिस्टेक नहीं होता है। तो हम लोगों ने 15 क्वेश्चन का जो स्लॉट रहता है, हम लोगों ने ये कवर कर लिया। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। जी दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।